What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम WDV के कुछ और selective questions करेंगे और SLM में मैंने आपको बोला था कि मैं 10 machines वाला question कराऊंगा. आपने कल comment section में बताया था, मुझे पता है, चिंता मत करो. एक बार WDV का आज question कर लो, कल मैं आपको वो 10 machines वाला SLM का important question कराता हूँ. तो आज WDV का एक अच्छा question करते हैं, एक आपको homework में दूंगा so that आप try कर पाओ और डेप्रिसिएशन को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं. प्रोविजन वाला पार्ट बचेगा एंड डेप्रिसिएशन इज ओवर. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं. क्या है क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल सोनू लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 390 की, जिसपे 5,000 रुपए का कैरेज आया है, 2,000 रुपए का ब्रोकरेज आया है, 2,500 का इंस्टॉलेशन आया है, 500 का एक आयरन पैड आया है. आयरन पैड मतलब जिसपे वो मशीन इंस्टॉल होगी. तो इसका मतलब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मशीन जब तक सेटअप नहीं हो जाती, जब तक इस्तेमाल नहीं होना शुरू हो जाती, तब तक का खर्चा उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा. तो ये मशीन 397, 500 और 2,500, 4 लाख की बढ़ गई पूरी मशीन. तो यहां तक का काम 1 अप्रैल 17 पे 4 लाख की मशीन खरीदी है. चलो 1 अप्रैल 17 पे 4 लाख की मशीन खरीदी गई है. ओके 1 अप्रैल 17 पे हमने एक मशीन परचेज करी है फॉर ₹4 लाख. ठीक है, ओके हो गया काम. उसके बाद ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च पे, 31 मार्च 20 तक का काम करना है. तो सबसे पहले 31 मार्च 18, उसके बाद 31 मार्च 19, I'm so sorry, 31 मार्च 20 तक का हमें काम करना है. तो सबसे पहले क्या हुआ है, हमने एक मशीन परचेज करी है, वो हमने यहाँ लिख दी ₹4 लाख. उसके बाद 1 नवंबर 18 पे एक और मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, और उस पर इमीडिएटली 20,000 रुपए का खर्चा आया है. इसका मतलब वो 120 की हो गई 1 नवंबर 18 पे. मार्च 18 के बाद ही आएगा यहाँ कहीं. 1 नवंबर 18 पे हमने एक सेकेंड मशीन खरीदी फॉर 1,20,000. परचेज ऑफ सेकेंड मशीन फॉर 120. अच्छा जी, उसके बाद 30 सितंबर 19 पे द मशीन परचेज्ड इन 2017, ये पहली वाली मशीन, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 127. 1,27,800 के लॉस पे बेची 30 सितंबर पे, 30 सितंबर 19. तो यहाँ कहीं आएगा 30 सितंबर 19 हमने सेल कर दी फर्स्ट मशीन एट अ लॉस ऑफ 1,27,800. 1,27,800 के लॉस पे बेची हमने पहली वाली मशीन. उसके बाद क्या हो रहा है, क्या कुछ और है? कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन WDV पे बनाती है मशीनरी अकाउंट. बना के दिखाओ. ठीक है जी, हो गया हमारा काम. इसका हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है. तो कैसे बनेगा बेटा, आता है ना सबको, सिखाया है तरीके से. तो हमारे पास, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ सो दैट 3 साल का काम हम आसानी से कर पाए. लो जी, हम स्टार्ट करते हैं हमारे मशीनरी अकाउंट के साथ. ये आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं. मशीन अकाउंट बना रहे हैं हम. 1 अप्रैल 17 पे हमने मशीन खरीदी है. तो 2017 अप्रैल 1st, 2 बैंक अकाउंट, हमने पहली मशीन खरीदी 4 लाख रुपए. ठीक है जी, चलते 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 31 मार्च आ गया. सिंपल, ईयर एंड हो गया. तो 2018 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन 10% लग रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 लाख का 10%, 40,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ गया। इस 4 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेम डेट पे 4 लाख माइनस 40,000 इज 360 और ईयर एंड हो जाएगा। ईयर एंड हो गया, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे 2018 अप्रैल 1 के साथ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमने 360 ब्रॉड डाउन कर दिया। इस साल चलते चलते 1 नवंबर को एक मशीन और ख़रीद ली। नवंबर 1 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 फॉर ₹120। ये 120 कैसे आया? 1 लाख प्लस 20,000, ठीक है ना। और ये 4 लाख कैसे आया, ये आपको मैंने बताया था, अलग 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 खर्चे ऐड करते जाओ तो आपके पास ये 4 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। परचेज के बाद फिर चलते गए ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 एंड 2, दो डेप लगेंगे, ठीक है। पहली वाली पे 360 पे लगेगा और लेफ्ट टू राइट अप्रैल टू मार्च पूरे साल का 360 पे 10% 36,000। बात करते हैं 120 पे 10% 12,000, लेकिन वो पूरे साल का बैठता है। बट ये मशीन नवंबर में ली गई है, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 मंथ्स, दिस इज फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। तो अगर पूरे साल का 12,000, 120 पे 10% 12,000, तो 5 महीने का 5,000, 5,000, 36 प्लस 5, 41,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया। फिर आप सीधा सीधा बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, 2, 360 माइनस 36 324, 5 मिनट, 120 माइनस 5 115,000। इसका अगर हम टोटल लगाएं तो क्या आ जाएगा, 324 प्लस 115,000 439,000। इसका टोटल कर दूं 480, ये भी 480। अब क्या होगा हमारे पास, 2019 अप्रैल 1 बैलेंस को नीचे ले आए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है ना बैलेंस कैसे निकालते हैं, 1 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 2 माइनस कर दो, करेक्ट है। बैलेंस आ गया आपके पास। अब इसको ब्रॉड डाउन करो, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 का और 2 का, ₹324,115,000, ठीक है जी। टोटल हो गया आपके पास 439। अब इस साल क्या हुआ है, यह है ध्यान से देखने वाली बात, बड़े ध्यान से देखेंगे। इस साल हमारा साल शुरू हुआ चलते गए 30 सितंबर पे पहली मशीन बेच दी गई है, 30 सितंबर पे, ठीक है। 2019 सितंबर 30 पे हमने पहली वाली मशीन बेच दी, तो पैसा आएगा। सर सितंबर पे बेची तो अप्रैल से सितंबर तक का डेप भी लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डेप भी लगेगा इस पे फॉर 6 मंथ्स। और क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये लॉस पे बिकी है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितना लॉस पे गई, क्वेश्चन ही बोल रहा था लॉस पे गई है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो 324 की मशीन है, 324 पे पूरे साल का 32,400 बैठता है, 32,400, 6 मंथ्स का इसका आधा, तो 16,200, बिना कैलकुलेटर का ही हो गया काम हमारा। पूरे साल का कितना बैठता है, देखो पूरे साल का अगर मैं इस पे कैलकुलेट करूं तो 32,400, 6 महीने का जस्ट हाफ 16,200, वो लगा दिया जी। कितने लॉस पे गई ये मशीन,
127,800 के लॉस पे, 127,800 के लॉस पे, तो फिर से आपको तीन में से दो वैल्यूज पता है, आप इस 324 में से दोनों माइनस कर दो, बैंक का वैल्यू आ जाएगा, है ना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 324 वाली मशीन है, 324 वाली मशीन है, इस पे 16,200 का डेप्रिसिएशन है, 324 वाली मशीन पे 16,200 का डेप्रिसिएशन, तो 324 माइनस 16,200 वैल्यू बचा 307,800। ये कितने लॉस पे गई, 127,800 के लॉस पे गई, 127,800 का लॉस हुआ इस पे, तो 180 की बिकी बेटा मशीन, मशीन वॉज सोल्ड फॉर 180, ठीक है, 180 आपका यहाँ पे बैंक में आ जाएगा। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, वही इसकी टोटल वैल्यू में से वो दो फिगर्स माइनस कर दी, तो ये मशीन गई। क्या इसी डेट पे कोई और मशीन खरीदी है? नहीं। तो बस फिर जब ईयर एंड होगा, अब 2020 मार्च 31st, तो एक ही डेप्रिसिएशन आएगा हमारा सेकंड मशीन पे, इस पे 115,000 पे 11,500 का डेप्रिसिएशन, और इसी का बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 115,000 माइनस 11,500, 115,000 माइनस 10%, 103,500, ये हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 4,39,000, ये भी 4,39,000, और आपका ईयर एंड हो जाएगा। देख रहे हो, सब वही चीजें हैं, सब वही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, वैरायटी सेम है, सिर्फ कलर बदल रहा है, वही तरीका है, बस याद रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम डेप्रिसिएशन लग रहा था, WDV में डेप्रिसिएशन समय के साथ चेंज होता चला जाता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इस पे बेस में आपको कोई क्वेश्चन दूं बढ़िया सा आज करने के लिए होमवर्क में, रिटर्न डेल मेथड, ये तो आपका हो गया है, ये ट्राई करो आज, चलो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे कि किसका क्या आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो लो जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, दिस इज योर होमवर्क, और ये क्वेश्चन आपको पूरा करके मुझे आंसर बताना है। अगली क्लास में आपको SLM का 10 मशीन वाला क्वेश्चन कराता हूँ, और फिर प्रोविजन फॉर डेप करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।